सोमवार को जालौन के उरई में मुख्य चौराहे जिला परिषद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेना ने मिलकर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सड़क जाम किया, जिसमें ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारी और अन्य पार्टियों से आए हुए ब्राह्मणों ने भी उनके साथ जाम लगवाया। इस दौरान महासभा के लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष अनिल बहुगुणा मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ब्राह्मण महासभा का कहना है कि कई महीनों से वह लोग शहर के किसी भी चौराहे को श्री परशुराम भगवान के नाम का चौराहा बनाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वह लोग कई बार नगर पालिका व उच्च अधिकारियों को इसके लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद उन्हें आज सड़क पर जाम लगाना पड़ा। घंटों जाम लगे रहने के बाद जब उपजिलाधिकारी मौके पर आए तो काफी देर उपजिलाधिकारी से परशुराम सेना और ब्राह्मण महासभा के लोगों की बहस होती रही। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा ने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब केंद्रीय मंत्री आए थे तो शहर की अधिकतर गलियों को बंद कर दिया गया था, लेकिन हम लोग घंटों से जाम लगाए हैं फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग सड़क से नहीं उठेंगे। आखिरकार उपजिलाधिकारी ने ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेना की बात को मानते हुए उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वह 15 दिन के अंदर शहर के किसी चौराहे का सुंदरीकरण और परशुराम जी के नाम करेंगे, जिसके बाद परशुराम सेना और ब्राह्मण महासभा के लोग चौराहे से उठे और पुलिस ने जाम खुलवाया। यूपी के जालौन से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। 3000 क्या नाम है आपका? मैं सुदामा बीच पूर्व लोकपाल। आज जाम लगाया है, क्या मामला था? पूरे जनपद के ब्राह्मण समाज ने आज एकत्रित होकर के और नगर पालिका अध्यक्ष जी से ये मांग किया है कि जब सभी समाज के आराध्यों के नाम पर उनके महापुरुषों के नाम पर चौराहों का नामकरण हो सकता है तो ब्राह्मण समाज के आराध्य परशुराम भगवान के नाम पर भी एक चौराहे का नामकरण हो। और बीते एक वर्ष से हम लोग लगातार इस बात के लिए ज्ञापन दे रहे थे, आग्रह कर रहे थे, लेकिन हम लोगों की ये बातें आज तक किसी ने नहीं सुनी। मजबूरन हम लोगों को जाम लगाना पड़ा, आंदोलित होना पड़ा। आज प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने हम लोगों को इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर उरई शहर में भगवान परशुराम के नाम पर एक चौराहे का नामकरण होगा। आपका? हमारा नाम है अनुरोध द्विवेदी। अनुरोध जी, आज रास्ता जाम किया है, क्या पूरा मामला है? इसलिए रास्ता जाम किया है कि नगर पालिका परिषद में जितने महापुरुष है सभी जातियों के महापुरुषों के नाम पे चौराहा बना हुआ है। हम ब्राह्मण समाज के लोगों ने कई बार नगर पालिका में जाकर के ज्ञापन दिया है कि हमारे भगवान परशुराम के नाम से एक चौराहा बनाने का काम किया जाए। हर बार हम लोगों को टाल लेने का काम किया जाता है, हम लोगों को हर बार कुल्लू बनाने का काम किया जाता है। अध्यक्ष की क्या भूमिका है? नगर पालिका अध्यक्ष ब्राह्मण विरोधी है और जब तक भगवान परशुराम जी का चौराहा इस उरई में नहीं बनेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहे।